आज हम लोग फ्रिज को एकदम जीरो से समझेंगे। एक कबाड़ा में से फ्रिज लेकर के आए हैं और देखिए इस फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है और सारी चीज इसमें लगाना है। यानी कि समझिए कि आप 500 से 1000 रुपए में एक फ्रिज कबाड़ा से लेकर के आए और उसको पूरी तरह से कैसे बना सकते हैं, उसी के बारे में समझेंगे। देखिए ना तो इसके अंदर कंप्रेसर है, ना कंडेंसर है, ना फिल्टर है, ना कैपिलरी ट्यूब है। सारे पार्ट को दिखा देंगे, यहां पर हम देखिए नीचे रखे हुए हैं और ये सब नया है और सब कुछ इसमें लगाया जाएगा। तो कौन सा पार्ट किस प्रकार से लगाते हैं और कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, कैसे उस पर काम करेंगे, उसी के बारे में समझेंगे। और इसको लगाते समय क्या क्या प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल लाइव देखेंगे, कोई भी मिक्सिंग नहीं, बिल्कुल लाइव देखेंगे। जो जो भी प्रॉब्लम आएगी सब कुछ इसमें हम आपको सीरियल से दिखाएंगे। बिल्कुल देखिए इसके अंदर ना तो कंप्रेसर है, ना कंडेंसर है और ये जो पाइप निकली हुई है देख रहे हैं इतनी बची हुई है, ये कैपिलरी ट्यूब की और ये अंदर ग्राउंड है। और अगर कभी अंदर से आए और पाइप बदलनी पड़े तो हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, बिल्कुल समझिए। जीरो से लेकर के एकदम एक एक पार्टों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल नई फ्रिज बनाने वाले इसको और इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ लगाएंगे इसमें नया और एक नई फ्रिज तैयार करेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रिज में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर। देखिए फ्रिज के पांच भाग होते हैं जिसमें सबसे मेन भाग होता है कंप्रेसर और हमने यहां पर रख दिया है एक कंप्रेसर। और ये जो कंप्रेसर हम लेकर के आए हैं ये एलजी कंपनी का कंप्रेसर है, एलजी कंपनी का कंप्रेसर है 42 नंबर का। यहां पर हमने एलजी का कंप्रेसर लगाया जबकि ये फ्रिज एलजी की नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर एलजी का कंप्रेसर लगाने वाले हैं, ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। अब देखिए जब आप कंप्रेसर नया खरीद के लाएंगे तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी समझेंगे, कंप्रेसर या कोई भी पार्ट के साथ क्या क्या मिलता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए इसकी पैकिंग, ये थर्माकोल लगा हुआ है और इसको हम यहां पे निकालते हैं। इसके अंदर देखिए कंप्रेसर के साथ इसका रिले, ओएलपी और ग्रोमेट रबड़ और उसका ये कवर पैकेट, ये सब साथ में मिल जाता है। यहां पर हम एक बार निकाल के दिखा देते हैं, देखिए क्या क्या है इसके अंदर। ये ग्रोमेट रबड़, ये ग्रोमेट रबड़ का मतलब ये होता है ये कंप्रेसर के नीचे लगा होता है जो कंप्रेसर को वाइब्रेट होने से बचाता है, तो ये ग्रोमेट रबड़ मिल जाता है। इसके अंदर एक रिले मिल जाता है और एक ओएलपी, देखिए इसमें दो रखी हुई है तो ये हमारी एक ही है, एक किसी ने रख दिया होगा इसमें, तो यहां पर एक रिले और एक ओएलपी मिल जाती है। इसके अलावा कंप्रेसर को निकालते हैं, हम आपको दिखाते हैं कंप्रेसर में क्या है। ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर को यहां पर देखिए ये इसके साथ एक कागज मिल जाता है, इसका मेन्यू वगैरह, इसके बारे में डिटेल, एम्पियर वगैरह की डिटेल इस पे लिखी होती है। और जब भी आप नया कंप्रेसर लेकर के आएंगे तो इसमें देखिए तीन पाइपें होती हैं। ये कंप्रेसर होता क्या है थोड़ी सी ये समझ लेते हैं। कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक साइड से खींचना और दूसरी साइड से बाहर फेंकना। मतलब कंप्रेसर एक मोटर है जिसका काम गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। जैसे कंप्रेसर में तीन पाइपें होती हैं, जैसे गैस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का मतलब जैसे दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, वो क्या करता है पानी को एक जगह से खींचता है दूसरी जगह फेंकता है, एक जगह से खींचता है दूसरी जगह फेंकता है। तो जहां से खींचता है उस लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये सक्शन लाइन है और जहां से फेंकता है उसको हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज कर रहा है, खत्म कर रहा है, बाहर निकल रहा है और खींचने वाला सक्शन, आने दो हमारी तरफ, सक्शन कर रहा है, खींचता है, तो वो सक्शन लाइन हो गई। तो इसमें तीन लाइनें हैं और तीनों में कौन सक्शन है, कौन डिस्चार्ज है, कौन चार्जिंग है, वो कैसे समझे, तो वो भी बिल्कुल जीरो से हम समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब आप कंप्रेसर लेकर के आएंगे ना तो इसको हम थर्माकोल को हटा देते हैं और इसमें देखिए तीनों लाइनों पे ये रबड़ लगा होना जरूरी है। कंप्रेसर जब आप खरीदे तो इसको देख सकते हैं और ये रबड़ जो लगा होता है ये कंपनी का लगा होता है और जब इस रबड़ को हम निकालेंगे तो इससे हवा निकलेगी। कंप्रेसर के अंदर कंपनी हवा भर के देती है और ये कंप्रेसर ही नहीं, जैसे ये एवापोरेटर है ना, इसकी पाइपों में भी रबड़ लगा होता है, इसको हमने निकाल दिया पहले से, तो इसको पाइपों में भी रबड़ लगा होता है और जब हम रबड़ को निकालते हैं तो इसमें से हवा निकलनी चाहिए। और अगर हवा निकलने से हमें क्या पता चलता है, हवा निकलने से हमें यह पता चलेगा कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर हवा पहले से ही निकली है तो इसका मतलब है कि लीकेज है, यानी कि अगर एवापोरेटर या कंप्रेसर आप खरीदने जा रहे हैं और दुकान पे ही इस रबड़ को निकाल करके चेक कर लीजिए, अगर हवा निकल रही है तो समझिए सही है, हवा नहीं निकल रही है तो पहले से निकल चुकी है, और पहले से निकल चुकी है का मतलब समझ गए ना कि कहीं लीकेज होगा तभी ना निकल चुकी है। तो देखिए इस रबड़ को हम निकालते हैं, यहां पर आवाज सुनिएगा, हवा निकलेगी तो कैसे पता चलेगा। यहां से हम रबड़ को निकालते हैं, देखिए थोड़ी सी हवा निकली है, डिस्चार्ज लाइन की पाइप थी और ये सक्शन लाइन वाली को खोलते हैं, इधर से भी हम खोल देते हैं किसी को, देखिए इधर से भी हवा वही वाली हवा निकल गई, यहां से बहुत कम हवा निकली है। तो सक्शन और चार्जिंग दोनों एक होती है, डिस्चार्ज लाइन अलग होती है। अब डिफरेंट क्या है,
कैसे पता चल रहा है कि इसमें कौन सी सक्शन लाइन है, कौन सी डिस्चार्ज लाइन है, कौन सी चार्जिंग लाइन है। नजदीक से देखिए इस कंप्रेसर को, देखिए ये वाली जो पाइप है मोटी पाइप है और ये वाली पाइप भी मोटी पाइप, ये दो पाइप है मोटी मोटी दिख रही है। इसके अलावा ये जो तीसरी पाइप है इन दोनों की अपेक्षा पतली है, तो जो पतली वाली पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन होती है और जो मोटी होती है वो सक्शन और चार्जिंग होती है। इसमें कौन सक्शन है कौन चार्जिंग है ये कोई बात मायने नहीं रखती, हम किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बना सकते हैं, मतलब ये दोनों लाइनें एक ही होती है, डिफरेंट केवल इस लाइन में होता है हमारे डिस्चार्ज लाइन में जो कि दोनों पाइपों से पतली होती है। तो समझ लीजिए ये डिस्चार्ज लाइन है और इसका कार्य होगा ये हवा से हवा को फेंकेगी और जो सक्शन लाइन है और चार्जिंग लाइन है ये दोनों हवा को खींचेगी। अगर हम सक्शन को ऐसे बंद कर लेते हैं तो चार्जिंग से हवा खींचने लगेगी, चार्जिंग को बंद कर लेंगे सक्शन से हवा खींचने लगेगी। सक्शन चार्जिंग है कौन ये तो पता ही नहीं है ना, किसी को मर्जी करे बना लीजिए सक्शन, जिसको मन करे बना लीजिए चार्जिंग। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। अब देखिए कंप्रेसर को इसमें लगाना है तो इसमें देखिए ये ग्रोमेट रबड़ है जो कि पहले से लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। अगर हमें नया वाला लगाना है तो हम इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं, ये चारों ग्रोमेट रबड़ को हम इस प्रकार निकाल के बदल सकते हैं, बाकी हम इसी में रहने देते हैं, इसको निकालने का कोई जरूरत है नहीं, जब पहले से लगा है तो कोई बात नहीं, इसी पे हम लगाना है हमको ये कंप्रेसर। अब हम कंप्रेसर कैसे लगाएंगे, ये देखिए कंप्रेसर को नॉर्मली उठाना है, देखिए एक लाइन सक्शन और चार्जिंग ये हमारे दोनों दो तरफ पड़ती है तो इसको हमें नॉर्मली उठाना और इसी के ऊपर रख देना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हमें बढ़िया तरीके से टाइट कर देना, और स्क्रू ड्राइवर क्या है इसके ऊपर लॉक आता है वो लॉक लगा करके बढ़िया तरीके से टाइट कर देना, कंप्रेसर हिले ना कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का हिल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए इसमें तो कंप्रेसर पूरी बढ़िया तरीके से एकदम बैठ गया, जाम हो गया। तो इस प्रकार से बस कंप्रेसर को हमने रख दिया। अब लगाना क्या इसमें कंडेंसर, अगला भाग होता है कंप्रेसर के बाद, दीजिए हमें ये कंडेंसर दिखाते हैं आपको, ये देखिए होता है कंडेंसर, इसको बोलते हैं कंडेंसर। आज तक आप कंडेंसर क्या जान रहे होंगे कि जो पंखा में लगता है वो कंडेंसर होता है, वो कंडेंसर नहीं वो कैपेसिटर होता है, कंडेंसर ये है। और कंडेंसर का मतलब होता है ना, इसको अगर इसके कार्य को समझें तो इसका मतलब होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, भाप को पानी बनाना, कंडेंसेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं संघनन। जैसे ठंडी का मौसम होता है कोहरा पड़ता है ना, तो कोहरे में क्या होता है ठंडी की वजह से वातावरण की हवा इतनी ठंडी हो जाती है, वो इतनी ठंडी होगी कि ठंडी हो के बर्फ बन जाती है, पानी बन जाती है, और पानी जब बन जाती है तो पानी बूंदों के रूप में दिखाई देती है, जैसे हल्की हल्की बारिश की तरह दिखाई देने लगती है ना, वो होता है कंडेंसर, यानी हवा को पानी बनाना कंडेंसेशन कहलाता है। वही काम करता है ये कंडेंसर जो हवा को पानी बनाता है। देखिए ये कोई इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं है, ये खाली लोहे का बना हुआ है और सिर्फ ये पाइपें हैं और इसमें गैस का संचार होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल एक कंडेंसर है, नॉर्मल पाइप है, एक तरफ से हवा खींचेगा दूसरी तरफ फेंकेगा। जो रबड़ की बात किया था हमने इसमें भी देखिए लगा हुआ है, ये नया है, देखिए इसमें भी दोनों तरफ रबड़ लगा हुआ है। इसको भी चेक करने का तरीका हमारा वही है कि जब हम इसको निकालेंगे इसमें से हवा निकलनी चाहिए, वैसे ही ढीला लग रहा है तो देखिए इसके से हवा निकल गई होगी या निकाल दिया गया होगा दिखाने के लिए कभी, तो इस प्रकार से देखिए इसमें से भी हवा निकलनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों रबड़ लगा हुआ है और कंडेंसर को लगाने के लिए देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर दीजिए वो प्लास लगाने के लिए इसकी जो पत्ती है ना इन्हीं पत्तियों पे हमें लगाना है। हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं सीधा इस तरह से, देखिए ये मुड़ा हुआ था कंडेंसर लगा हुआ था तो इसको हम कर लेते हैं सीधा पूरी तरह से बढ़िया तरीके से इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल सीधा। और देखिए ये नीचे भी है दो और इसमें रबड़ भी लगा हुआ है ताकि वाइब्रेट ना करे आवाज ना करे, इसको हमने कर लिया सीधा और अभी लगाना हमें कंडेंसर। तो किस प्रकार से देखिए जहां पे ये सेट बैठे इस तरह से लगभग इतनी ऊंचाई पर हम इसको लगाना चाहेंगे तो इसी तरह से हम इसको लगा लेते हैं कहीं पर भी देखिए। और जाली में कैसे लगाना है यहां से हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये जो इसकी जाली है इसको हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेते हैं और ये बीच वाला पॉइंट भी इस तरह से मोड़ लेते हैं। और देखिए ये अगर कभी नहीं है तो ये स्क्रू आप आराम से टाइट कर सकते हैं बॉडी में, एक ही स्क्रू लगा है देखिए ये इसलिए हिल रहा है, यहां पर दो स्क्रू लगा है, अगर एक नहीं लगा है तो लगाया भी जा सकता है कोई बात नहीं। ये जो बॉडी है ना ये केवल ऊपर ही टीने के जैसा दिख रहा है, अंदर पूरा थर्माकोल है तो अंदर कोई ज्यादा इसमें रिस्क नहीं होता है, ज्यादा लगाने में दिक्कत नहीं होती है, बस कोई बड़ा स्क्रू मत लगा देना छोटा स्क्रू लगाते हैं। इस तरह से देखिए हम कंडेंसर को देख करके साइज के हिसाब से लगा देते हैं और ये जाली में ऐसे लगाएंगे तो ये जो हमने मोड़ा था जाली देखिए यहां से नजदीक से दिखा देंगे जाली दिख रही होगी, ये जो पिन है देखिए बाहर निकल गई और बाहर निकलने के बाद हम नीचे वाले को भी सही कर लेते तभी तो अंदर जा पाएगा,
नीचे वाला भी पाए तभी तो। देखिए सबसे पहले हम इसको मोड़ ले रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल हम लाइव दिखाएंगे, कहीं पर भी कट नहीं करने वाले हैं। टोटल आपको दिखाएंगे कि किस किन क्या क्या इसमें समस्या आ रही, किस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। कंडेंसर को देखिए हमने ऐसे लगा दिया, और ये जो पिन थी इसको अब हम ऐसे मोड़ दे रहे हैं। नजदीक से एक बार दिखा दीजिए कि हम कैसे इसको मोड़ रहे हैं। देखिए यहां पर इसको हमने मोड़ दिया, एक बार इसको हमने मोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, ये इसको यहां से बाहर नहीं निकलने देगा। इसी प्रकार से हम सभी को मोड़ देते हैं, देखिए इसी प्रकार से हमने इसको भी मोड़ दिया, अब ये यहां से बाहर नहीं निकलेगा इस तरह से। और ऐसे ही हम सभी को मोड़ देते हैं, चारों को, चार जगह लगा हुआ है, चारों को मोड़ देते हैं। अगर कभी चार नहीं है, तीन ही है, तो तीन को मोड़ देंगे, या कभी नहीं है तो इसको हमें बना के लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहां पर चारों को मोड़ दिया, और बिल्कुल कंडेंसर बढ़िया से देखिए लग चुका है, एक लग गया। अब हमारा कंडेंसर, दो काम हमारे हो गए, कंप्रेसर कंडेंसर हमने सिर्फ सेट किया है, अभी कहीं जोड़ा नहीं है, कहीं वेल्डिंग नहीं किया है, अब हमें वेल्डिंग करने का काम आएगा। ये कैपिलरी ट्यूब पहले वाली है, हम इसको यूज नहीं करने वाले, हम इसको काट के निकाल देते हैं। चलिए हम इसको प्लायर से ही काट देते हैं, क्योंकि हमें इसका काम नहीं है, हम इसको काट करके हटा देते हैं। और ये पाइप भी है, ये सारी चीजें हम अलग कर देते हैं। हम अलग से एक नया कैपिलरी ट्यूब के लिए यहां पर ड्रिल मारेंगे, एक सुराग बनाएंगे नया, क्योंकि इसकी जो पाइप है ना, यहां से एक बार नजदीक से नीचे से दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा, इसकी जो पाइप है ये देखिए बॉडी के साथ है बिल्कुल, मतलब इसकी बॉडी में जगह नहीं है। और कुछ फ्रिजों में यहाँ पे पाइप लगी होती है, इसकी बॉडी के साथ पाइप होती है, जिसमें पाइप को ऊपर नीचे किया गया होता है, आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं है, जिस वजह से हमें ये पाइप निकाल नहीं सकते हैं, ना ही इसकी जगह पे दूसरी पाइप डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइप के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे, एक नया सुराग बनाएंगे, जहां से ये एवापोरेटर की, ये जो एवापोरेटर है, इसकी पाइप को हम लेकर के आएंगे आगे की साइड से। तो सबसे पहले हम दो पाइप ले लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब ले लेते हैं, एवापोरेटर में जोड़ लेते हैं, उसके बाद पाइप को बाहर निकाल करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ले लिया है ये 1/4 साइज की कापर की पाइप, और ये जो पाइप है उससे पहले मैं एक काम बता देते हैं, ये जो कंडेंसर लगाना थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हुआ कि ये जो पाइप है इस साइड से ऊपर गई हुई है, और यहां पर देखिए डिस्चार्ज लाइन की पाइप इधर है, तो इसको जब हम डिस्चार्ज लाइन में जोड़ेंगे तो वेल्डिंग करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। इसको हम कंडेंसर को हमें पलटना होगा, मतलब जो अंदर है उसको बाहर करेंगे, ताकि ये वाली पाइप इस साइड में दिखाई दे, इस साइड से जाए, यानी दाहिने साइड से जाती है, और हर फ्रिज में ऐसे ही जाती है, दाहिने साइड से ही जाती है। तो इसको हम एक बार फिर से निकाल करके कंडेंसर को, और इसको सीधा करके लगा देते हैं इस कंडेंसर को, आसान तरीके से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। हम आराम से इस कंडेंसर को ऐसे ही निकालेंगे बाहर, और इसको बस पलट देना है, एकदम देखिए इस प्रकार से बस पलट देना, ताकि ये वाली पाइप इधर से जाए। तो ये हमें पहले से ही ध्यान देना चाहिए था, जो कि ये मिस्टेक है, तो इस प्रकार से आप नहीं करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम लगा देंगे यहां पर, और कंडेंसर को फिर जैसे हमने पहली बार घुमा करके सेट किया था, सेम बिल्कुल वही प्रक्रिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इसको फिर से हम उसी तरह से मोड़ देते हैं, और कंडेंसर हो गया लॉक। तो यहां पर देखिए हम कंडेंसर को लगा देते हैं, तो देखिए कंडेंसर को तो हमने लॉक कर दिया, कंडेंसर लग गया, और यहां पर अभी हमें अंदर एवापोरेटर लगाना है, जिसकी वजह से यहां पे सुराग बनाना होगा। तो सुराग बनाने के लिए हमने ले लिया ड्रिल मशीन अपना, ये हमारी ड्रिल मशीन है, और इस ड्रिल से हम नॉर्मली सुराग कर सकते हैं। आपके पास कोई छोटा भी है, हैमर भी है, और छोटा भी है तो भी आप उससे बना सकते हैं, ये ड्रिल मशीन जरूर नहीं कि इतनी हैवी वाली हो, लेकिन हमें एक सुराग बनाना है। किन किन तरीकों से हम बना सकते हैं वो हम खुद ही सोच लेंगे, जैसे कि हमारे पास ड्रिल भी नहीं है तो हम स्क्रू ड्राइवर से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत मजबूत नहीं होती है। तो यहां पर हमने ड्रिल मशीन ले लिया, और इसी की वजह से हम बनाएंगे पूरा, इसी की सहायता से हम उसमें सुराग करेंगे, और देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये इसके अंदर तार भी तो लंबा लपेट दिया गया, क्योंकि ड्रिल की जरूरत बार बार पड़ती है, जो कि दूर ही लगाने के लिए पड़ती है। तो यहां पर देखिए हमने बिट लिया है, और ये 5.5 नंबर की, देखिए 5.5 mm लिखा हुआ है, तो ये 5.5 नंबर की बिट है, और इसी को हम लगा करके इसी के द्वारा इसमें सुराग बनाने वाले। और ये थोड़ी लंबा भी है, देखिए 5.5 mm की बिट अगर लेते हैं तो वो छोटा भी मिलता है और बड़ा भी मिलता है। तो ये बड़ा वाला है, और यहां पर हम इसको लगा लेते हैं इस प्रकार से, देखिए इसको हम यहां पर लगा लेते हैं आराम तरीके से इस प्रकार से, और ये हम चालू होने के लिए तैयार हो चुका है। तो इस बोर्ड में अभी हम सप्लाई देंगे, सप्लाई भी नहीं दिए हुए हैं, तो इस बोर्ड में एक बार हम सप्लाई दे लेते हैं, खोज दीजिए वहां ले जाकर के। तो देखिए इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है, और हम यहां पर प्लग लगा लेते हैं ड्रिल मशीन का, और देखते हैं ये पावर आई कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार से बटन को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, देखिए बिल्कुल चालू है, कंडीशन में चालू है। इसको हम ड्रिल जो मार रहे हैं ना, अंदर की साइड से मारेंगे, ताकि हमें निकालने में बाहर आसानी हो, और किस जगह पे निकल रही वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आपको दिखाते हैं, देखिए इसके अंदर क्या क्या है, कहां पर है। तो देखिए इसके अंदर हमें ड्रिल मारना है, इसके अंदर की सीन देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है,
बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और पहले वाली पाइप भी दिखा देते हैं आपको, देखिए यहां पर ये पहले वाली पाइप है इसमें, और इस पाइप में देखिए ये जो देख रहे हैं बॉडी वॉडी जली हुई है ना, ये बार बार प्रैक्टिकल के वजह से जला हुआ है, और ये पाइप देखिए बिल्कुल टूट गई है जड़ से। यहां पर देखिए थोड़ा सा ही पकड़ा था, देखिए ये पाइप निकल गई, खत्म हो गई है। हम ड्रिल इसमें मारेंगे, हमें ऐसी जगह से मारना जहां से हमें जोड़ने में आसानी हो। देखिए यहां से निकाल सकते हैं, या हम इस साइड से भी निकाल सकते हैं, यहां से बिल्कुल किनारे से, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना, और उधर पीछे भी कंडेंसर में ना निकल जाए। यहां पर हम इसमें ड्रिल मारते हैं, देखिए बिल्कुल एक ही बार में बिल्कुल आसान तरीके से पार हो गया। बिल्कुल देखिए यहां पर हमने ड्रिल मार दिया है, पूरी तरह से ड्रिल मार के पार हो गया, और उस तरफ सुराख बन गया, बस पाइप ही हमको क्रॉस करवानी है, तो आराम से पाइप इतने ड्रिल में हमारी चली जाएगी। हमने ड्रिल लगा लिया है, देखिए ड्रिल मशीन का काम खत्म हो गया, हम इसको हटा देते हैं साइड में। अब इस ड्रिल मशीन का कोई काम नहीं, अब हम एवापोरेटर में लगाएंगे कैपिलरी ट्यूब और कॉपर की पाइप, और ये देखिए कॉपर की पाइप हमारी इसमें से निकल गई, और इस पाइप की साइज है 1/4, देखा है इसमें कहीं लिखा है 1/4, पाइप की साइज है देखिए यहां पर लिखा है 1/4 यानी 1/4, ये वाली कॉपर की पाइप हमारे पास है, और इसी पाइप का हम यूज करने वाले हैं, और ये पाइप इस फ्रिज में लगभग लगेगी, देखिए यहां से ऊंचाई ये जो ड्रिल मारे हैं वहां से लेकर के, यहां से लेकर के इस ड्रिल देखिए यहां पे आई हुई है, यहां से लेकर के और इस सक्शन लाइन के आने तक यानी कंप्रेसर मोटर तक इतनी बड़ी हमें कॉपर की पाइप लगानी होगी। तो इस साइज को हम नाप लेंगे, और हाँ थोड़ी सा अंदर भी जाएगा, एवापोरेटर तक जाएगा तो वो भी नाप लेंगे, और यहां पर भी थोड़ी सी बढ़ा करके नाप लेंगे, तो इसी हिसाब से हम अपनी कॉपर की पाइप यूज कर लेंगे। तो देखते हैं कॉपर की पाइप लगभग हमारी 1 मीटर के करीब इसमें लगी जाएगी। यहां से देखिए हम इसके ऊपर से लगा करके पाइप को नाप लेते हैं, और ये सक्शन लाइन के बराबर लगभग देखिए इतनी दूर हमें लेकर के जाना है, और यहां हमारी ये सक्शन लाइन यानी कि पाइप लगभग ये हमारी साइज हो गई। हम इसको अपनी साइज के अनुसार अंदाजे से ही नाप सकते हैं इस प्रकार से। बैठ जाओ, अब हम ये कॉपर की पाइप को यहां से देखिए ट्यूब कटर की सहायता से काट लेते हैं, साइज नापने के बाद कि कितनी बड़ी हमारी कॉपर की पाइप लगेगी। देखिए इस पाइप को हम चेंज कर रहे हैं और ये पाइप लगा रहे हैं नई, तो इस प्रकार से हमने कॉपर की पाइप को काट लिया है, और ये कॉपर की पाइप देखिए मैंने 1/4 साइज की लिया, इसको थोड़ी सा हमने बड़ा ही लिया है, छोटा नहीं होगा ये, बड़ा थोड़ा सा हो जाएगा। और वो दीजिए फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब, और इसके साथ हमें लगाना है कैपिलरी ट्यूब, इस पाइप के साथ हमें लगाना है कैपिलरी ट्यूब। तो यहां पर ले लेते हैं, देखिए हमें फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब दो चीजों की अभी जरूरत पड़ेगी। तो फिल्टर अगर आप लेते हैं तो देखिए इस प्रकार का भी फिल्टर ले सकते हैं, ये सादा फिल्टर होता है, 10 रुपया सस्ता मिलता है, या 5-7 रुपये सस्ता मिलता है नॉर्मल वाले से, और ये देखिए हमारा स्टेनर फिल्टर होता है। इस फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जिसका कार्य होता है नमी को अवशोषित करना, और ये फिल्टर देखिए ये हमारा सिलिकॉन की गोलियों वाला फिल्टर है, और ये सादा फिल्टर है। तो देखिए ये वाला ले लेते हैं हम फिल्टर, और एक ले लेते हैं कैपिलरी ट्यूब, और ये कैपिलरी ट्यूब देख सकते हैं इसके अंदर ये जो कैपिलरी ट्यूब है हम लगाएंगे 36 नंबर का, देखिए ये 0.031, ये 31 साइज की हम इसको नहीं लगाने वाले, 36 नंबर की लगाएंगे, 0.036 ये वाली कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे हम, 36 नंबर वाली कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे, और एक फिल्टर लगाएंगे। ये सब अब बाकी चीजें हम हटा देते हैं, और ये फिल्टर और ये कैपिलरी ट्यूब हम लगाने वाले। फिल्टर इसके अंदर देखिए कैसा है, ये वाला फिल्टर हमारा है, बढ़िया वाला फिल्टर है, और ये कैपिलरी ट्यूब हमारी 36 नंबर की, और इसकी जो साइज होती है लगभग 10 फीट के आसपास होती है, 8 से 12 फीट की कैपिलरी ट्यूब हमारे फ्रिज में प्रयोग की जाती है। तो ये है कैपिलरी ट्यूब, इसको हम खोल लेते हैं, और कैपिलरी ट्यूब हमें लगानी है, कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर दोनों लगाना है, तो पहले हम कैपिलरी ट्यूब को लगाएंगे, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब एवापोरेटर के साथ कनेक्ट की जाएगी। देखिए कैपिलरी ट्यूब कैसी है, कैपिलरी ट्यूब एक पतली सी पाइप होती है, देखिए एकदम पतली सी, इतनी पतली ये कैपिलरी ट्यूब, इतनी पतली सी पाइप है, और इसका कार्य होता है गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस बड़ी तेज गति से जा रही होगी, और ये क्या इतनी पतली सी पाइप है, इसके अंदर सुराख भी होता है, इतनी पतली सी पाइप है कि गैस बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, यानी तेज गति से जा रही होगी। देखिए जब तक हमारी कैपिलरी ट्यूब की पाइप, देखिए जब तक हमारी गैस इन पाइपों से होकर गुजरेगी तो इसकी पाइप की साइज मोटी है, गैस तेज गति से जाएगी, लेकिन जैसे ही कैपिलरी ट्यूब में हमारी गैस आती है ये उसके प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है, इसको एक्सपेंशन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ नहीं है, कैपिलरी ट्यूब एक पतली सी पाइप है, इसका कार्य गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, यानी तेज गति से गैस जा रही होती है उसके प्रेशर को कंट्रोल करके आगे भेजने का काम करती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। देखिए ये जो एवापोरेटर होता है इसमें ध्यान ये देना है कि किस
किसमें कैपिलरी जुड़ेगी और किसमें ये सक्शन लाइन की पाइप जुड़ेगी। तो यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है, उल्टा ये जुड़ेगा भी नहीं। और दूसरी बात, इस पाइप की साइजों को देखिए, देखिए एक पाइप मोटी है, एक पाइप पतली है। तो जो पतली है वो कैपिलरी ट्यूब के लिए है और जो मोटी है वो हमारी सक्शन लाइन के लिए है, क्योंकि पतली वाली में कैपिलरी ट्यूब जोड़ा जाएगा ना। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो एवापोरेटर होता है ना, एल्युमिनियम का बना होता है और एल्युमिनियम में हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी की तरफ से इतना कापर लगा करके हमें मिलता है जिसमें हम आसान तरीके से वेल्डिंग कर पाए, चाहे वो सक्शन लाइन वाली हो चाहे वो कैपिलरी ट्यूब के लिए हो। तो यहां पर हमें कैपिलरी ट्यूब जोड़ना है और एक तरफ हमें जोड़ना है यहां पर ये सक्शन लाइन वाली पाइप। अब देखिए, एवापोरेटर और कैपिलरी ट्यूब की पाइप या सक्शन लाइन हमें जोड़नी है, तो इस पाइप को सबसे पहले जोड़ने के लिए देखिए, ये जो मोटी पाइप है उसमें हमें सक्शन लाइन वाली पाइप जोड़नी होगी और जो पतली पाइप है उसमें हमें कैपिलरी ट्यूब जोड़नी होगी। तो जो मोटी पाइप है उसको हम इस पाइप को इसके अंदर डालेंगे तो इसका व्यास थोड़ी सा कम है, अंदर नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक पाइप के व्यास को बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए हम एक स्वांगिंग टूल का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके स्वेजिंग टूल भी बोलते हैं, स्वांगिंग टूल भी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले तो को सुम्मी भी बोलते हैं। देख रहे हैं, कुछ नहीं है, बस ये ठोकने के लिए, यानी कापर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है स्वांगिंग टूल। कापर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए हम ले लेंगे अपना फ्लेयरिंग टूल का ब्लॉक और इसमें लगाएंगे। देखिए, इसमें अलग अलग पाइप की साइजों के हिसाब से लिखा होता है, तो इसमें 1/4 इस पे लिखा है, 1/4 उसी में लगाएंगे, क्योंकि ये जो पाइप है 1/4 साइज की है, तो 1/4 वाले में हमने इसको लगाना है। थोड़ी सी बाहर निकालेंगे, बहुत ज्यादा बाहर निकालेंगे तो पाइप मुड़ जाएगी, थोड़ा सा इसको हम बाहर निकालेंगे और ये पाइप को पकड़ने की बात है केवल, और कुछ नहीं है। अगर हाथ से पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं तो यहां से आराम से हम पकड़ेंगे। कापर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए एक हैमर का जरूरत पड़ेगी, हमने ले लिया हथौड़ा और स्वांगिंग टूल, पाइप में डाल करके इस प्रकार से ठोकेंगे, एक बार ठोकेंगे फिर निकाल करके देख लेंगे कहीं ये मुड़ तो नहीं ना रहा है, सही है सब कुछ, फिर ठीक ठाक है, फिर लगा करके ठोकेंगे। इस प्रकार से इसको हम ठोकते हैं तो कापर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने का कार्य करते हैं हम इस स्वैंगिंग टूल के द्वारा, यानी एक पाइप में दूसरी पाइप को डाल करके समान व्यास की कापर की पाइपों को डालकर जोड़ने के लिए हमें स्वैंगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हमें कापर की पाइप के भीतरी व्यास को देखिए हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ चुका है, थोड़ा सा और कमी दिख रही है, इसको हम और पूरा कर लेते हैं यहां पर, और आराम से देखिए अब इसके अंदर पाइप हमारी चली जाएगी। पाइप का व्यास दिखाते हैं हम किस प्रकार से बढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार से कापर की पाइप के व्यास को बढ़ाना है। देखिए, इस प्रकार से ये छोटा ही बढ़ा है, थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाते तो पाइप अंदर तक जाती, लेकिन कोई बात नहीं है, इतनी में आराम से पाइप जुड़ जाएगी। और देखिए, यहां पर हम पाइप को जोड़ देते हैं इस प्रकार से, और ये जो जोड़ने का तरीका है, नॉर्मली हम वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग गन ले लेते हैं, तो देखिए हमें यहां वेल्डिंग करना है, और वेल्डिंग करने के लिए ये जो वेल्डिंग करना है, एल्युमिनियम की पाइप है या एवापोरेटर है, और इस एवापोरेटर में अगर ये हीटिंग का प्रभाव ज्यादा होगा तो यहां से छोड़ने के चांस होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक कपड़ा भिगो लेते हैं ये थोड़ा सा, और भिगो करके इस पर रख लेते हैं, आराम से वेल्डिंग करेंगे, बहुत बढ़िया वेल्डिंग होगा, यानी यहां से हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, इस पाइप में कोई दिक्कत ना हो जाए, ये वाला जो ज्वाइंट है वो ना छोड़ दे, जिसकी वजह से हम यहां पर क्या करते हैं, कपड़ा भिगो के लगा लेते हैं और लगाएंगे। अब हमारा ये है वेल्डिंग गन के लिए ब्यूटेन गैस, एक गैस का कैन है, इस कैन का नाम होता है ब्यूटेन गैस, इसके अंदर ब्यूटेन गैस है, देखिए लिखा है यहां ब्यूटेन गैस, और ये जो गैस है देखिए, ये रेड कलर का ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन को हमें निकालना है, हम किसी भी तरह से आराम से इसको उठा करके निकाल सकते हैं, ये चूड़ियों पे नहीं होता है, इस तरह से ढक्कन को हमने निकाल दिया, और ये हमारा वेल्डिंग गन, गन का ये देखिए, गन के अलग अलग पार्ट है, वेल्डिंग करने के लिए ये तीन पार्ट है, ये गैस है और ये गन है और ये गन का नोब है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग खरीदना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए, वेल्डिंग गन को हमने यहां पर लगा लिया, और ये लगाते हैं हमारा जो कैन है गैस के ऊपर सिलेंडर, ये और ये लग गया हमारा गैस, इस तरह से बस इस पर लगा करके, लगाना कहां से देखिए, ये थोड़ा सा पॉइंट है ना, ये कट का पॉइंट है और यहां पर कटा हुआ भाग है, इसी में सीधे में यहां पर लगाना है, लगा के थोड़ा सा घुमा देना है, लग गया इस तरह से। अब हम यहां से ऑन ऑफ करेंगे, गैस खुलेगी बंद होगी, अब हम इसको माचिस जला लेते हैं और इस गन के द्वारा हम इसको गर्म करते हैं। सबसे पहले देखिए ये गन जलता कैसे है, इस प्रकार से ये माचिस की तिल्ली बंद हो गई, आपके पास लाइटर हो तो भी बेटर है, लाइटर से भी काम कर सकते हैं, यहां पर हम माचिस से काम कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार से माचिस है और यहां से हमने इसको बढ़ा लिया और इस तरह से इसको हम, अगर ये जो छोड़ने का तरीका गैस को अगर तेजी से छोड़ते हैं तो इससे जैसे लगता है कि ये फूंक मारता है, तो इसको आपको आराम से खोलना है। एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे हमने झटके से खोला तो ये बुझ गया, और इस प्रकार से देखिए हम दूसरा तिल्ली लगा रहे हैं और ये दूसरी तिल्ली के द्वारा, देखिए जैसे अगर हल्का करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बढ़ा बढ़ा के करिएगा, तो इस प्रकार से देखिए ये जलेगा, देखिए इस प्रकार से ये हमारा जल गया। और इसके लिए वेल्डिंग करने के लिए हमें ब्रिजिंग रॉड की जरूरत पड़ेगी, वहां ब्रिजिंग रॉड दीजिए, तो ये हमारा है ब्रिजिंग रॉड। ये ब्रिजिंग रॉड क्या होता है, वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, आवाज कर रहा है,
ये ब्रिजिंग राड है, वेल्डिंग कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस राड के द्वारा हम कापर की पाइप को वेल्डिंग कर सकते हैं, कापर को कापर में केवल वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर कहीं पर हमें कापर और लोहे को वेल्डिंग करना हो, अभी हम कंडेंसर को वेल्डिंग करेंगे, जहां पे कापर और लोहे को वेल्डिंग करना होता है वहां पर हम एक पाउडर लगाते हैं जिसका नाम होता है फ्लक्स पाउडर। लेकिन यहां पर पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों पाइप जो है वो कापर की है। तो सबसे पहले हमें इसको जोड़ना है, हम यहां पर लगा लेते हैं अपना, देखिए इस प्रकार से, और देखिए यहां नजदीक से दिखाइएगा, और इसको जोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए ये पाइप जैसे ही गर्म होगी, केवल हम थोड़ा सा ब्रिजिंग राड को टच कराएंगे, ये देखिए यहाँ पर पाइप गर्म हो रही है और यहाँ पर ब्रिजिंग राड को भी हम गर्म करना शुरू कर दिए हैं, ब्रिजिंग राड को भी गर्म कर रहे हैं। और बस इसको हल्का सा लगाएंगे, केवल ऊपर की साइड लगाएंगे और नीचे तो ये आराम से पिघल के चली जाएगी। देखिए बिल्कुल पाइप बढ़िया तरीके से जुड़ चुकी है, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। और हाँ, सबसे अच्छी ब्रिजिंग वही होती है जिसमें ये ब्रिजिंग राड ज्यादा न लगे। और ये ज्यादा न लगने का मतलब ये नहीं होता कि हम ब्रिजिंग राड बचा रहे, फिनिशिंग इसके ऊपर अच्छी आनी चाहिए, देखने में लगे कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखिए हमने कपड़ा रखा हुआ था जिसकी वजह से पाइप पे कोई भी इफेक्ट नहीं गया, आराम से बढ़िया तरीके से हमारी ये पाइप जो वेल्डिंग हो चुकी है, नीचे ऊंचे सब जगह हो चुकी है। कापर की पाइप हमने वेल्डिंग कर दिया जो कि सक्शन लाइन बना दिया। अब हमें जोड़ना है कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब के व्यास को यहां देख लेना चाहिए, कहीं ये बंद तो नहीं है। अगर नहीं बंद है, खुला है, तो नॉर्मली हमें देखिए इसके अंदर लगभग लगभग आधा इंच, कोई बात नहीं है, आधा इंच लगभग हम इसके अंदर कर लेते हैं। और देखिए इस प्रकार से अंदर कर लेंगे, ताकि अगर ज्यादा अंदर भी नहीं करना, लेकिन हाँ आधा इंच या एक इंच तक अंदर कर लेंगे और आराम से इसको हम वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। जिस प्रकार से हमने उस पाइप को जोड़ा, उसी प्रकार से हम इसको भी जोड़ लेते हैं। माचिस की तिल्ली जलाते हैं और इसको वेल्डिंग कर देते हैं। यहां पर देखिए ये माचिस की तिल्ली हमने जला लिया और इसको हमें वेल्डिंग करना है, तो इसको भी वेल्डिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसको भी देखिए हम यहां पर वेल्डिंग कर ले रहे हैं इस प्रकार से, और इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। वो कपड़ा भिगो के यहां भी रख लेना चाहिए, लेकिन हम कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब तक ब्रिजिंग राड गर्म नहीं होता या पाइप गर्म नहीं होती है, उस समय अगर ब्रिजिंग राड को आप टच करवाते हैं तो ये चिपकने लगता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर कभी चिपक रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से गर्म नहीं रहेगा तो ये चिपकने लगता है। और हाँ, गर्म हो हटा करके वेल्डिंग करके तुरंत इस पाइप को नहीं हिलाना चाहिए, ना इसको हिलाना चाहिए। अगर हिला देंगे तो जो जोड़ है वो खुल जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमने दोनों पाइप को तो वेल्डिंग कर दिया, दोनों पाइपों को, एक सक्शन लाइन और कैपिलरी ट्यूब इस एवापोरेटर में वेल्डिंग कर दिया। ये देखिए एवापोरेटर क्या होता है, यही तो ठंडा करता है, कूलिंग कॉइल के नाम से जाना जाता है, फ्रीजर के नाम से जाना जाता है, यही एवापोरेटर और यही ठंडा करता है। यहां पर हमने कपड़ा भिगोया था, इसको हम थोड़ा सा सुखा लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं मतलब, और इस प्रकार से हम इसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए भाप निकल रहा है, इसको हम जल्दी से आगे बढ़ने के लिए इसको ठंडा कर ले रहे हैं और लगा देते हैं अपना टेप। ये वायर टेप हमारा है नॉर्मल, यहां इसके ऊपर हमें और कुछ लगाना चाहिए, थर्माकोल वगैरह लगानी चाहिए, पाइप लगा देनी चाहिए, मतलब इसलिए लगाते हैं कि इसके ऊपर हवा का प्रभाव न जाए। बाकी हम तो यहां इसलिए भी लगा दे रहे हैं ताकि इसके अंदर इसके जो भाग हैं कहीं पर भी इसमें इधर उधर ना बिखरे, ये पाइप इधर उधर मुड़ करके टूट ना जाए, जिसकी वजह से हम यहां पर लगा दे रहे हैं। देखिए जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पर पे इस प्रकार से ये कैपिलरी ट्यूब की पाइप और ये सक्शन लाइन की पाइप को हम थोड़े थोड़े दूर पे कर करके इसको इस प्रकार से हम टेप लगा देते हैं इस प्रकार से। देखिए तो देखिए ये एवापोरेटर में पाइप जोड़ने के बाद हमने यहां पर देखिए टेप लगा करके इस प्रकार से पाइप को पूरा लास्ट तक इस प्रकार से टेप लगा के कैपिलरी ट्यूब और ये जिसको हम सक्शन लाइन बना रहे हैं, इन दोनों पाइपों को हमने साथ साथ में मोड़ दिया। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब की जो पाइप, यहां पर देखिए कैप लगा हुआ है, पाइप में कुछ चला ना जाए उसके लिए। कैपिलरी ट्यूब की जो पाइप है उसकी साइज अभी बड़ी है, हमें क्या करना होगा, इसको क्रॉस करवाना होगा, निकालना होगा। तो चलिए हम एवापोरेटर में इसको लगाते हैं और दिखाते हैं, और उससे पहले दिखा देते हैं आपको ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको हमें पूरा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से निकालने के लिए अगर हम इस साइड से अंदर लगा करके और वेल्डिंग करते तो नहीं निकालना पड़ता, लेकिन यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। आइए तो देखिए एवापोरेटर की पाइप को हमने ले लिया और इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं, और ये जो कैपिलरी ट्यूब है, सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब ये जो है इसको भी हमें सीधा करना होगा, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि पहले हम इसी को निकाल देते हैं। पीछे की साइड में देखिए इतनी बड़ी साइज है, अगर हम इसको पीछे की साइड में पहले ही अगर पीछे से अंदर करते तो हमें यह नहीं करना पड़ता। तो हम इस प्रकार से इसको सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मोड़ने में कोई भी दिक्कत इसको नहीं होगी, आराम से मोड़ दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैपिलरी ट्यूब की जो साइज होती है वो 8 से 12 फीट कैपिलरी ट्यूब की साइज होती है। तो देखिए ये कैपिलरी ट्यूब को हमने पहले ही निकाल देना होगा, जो हमने अभी सुराग बनाया वहां से हमें इसको निकालना है कैपिलरी ट्यूब को। देखिए ये पतली वाली जो पाइप है कैपिलरी ट्यूब की, इसको हमें निकालना है जो हमने सुराग बनाया वहां से।
तो यहां से देखिए हमने सुराख में से कैपिलरी ट्यूब को निकाल दे रहे हैं, हम से निकाल देंगे अगर ड्रिल मशीन हम थोड़ी बड़ा मारे होते तो, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब अंदर जा रही है, बिल्कुल पीछे की साइड अगर कोई होता तो खींच लेता, लेकिन कोई नहीं है, आराम से कोई बात नहीं, कैपिलरी ट्यूब पीछे कहीं तो जा ही रही है। तो इस प्रकार से देखिए हम कैपिलरी ट्यूब की पाइप को डाल रहे हैं, और ये एवापोरेटर भी है, छोड़ दीजिए इसको, एवापोरेटर है और ये पाइप भी आ चुकी है, सक्शन लाइन वाली पाइप भी, और दोनों पाइप अब यहां से सीधा जाएंगे पीछे। देखिए इस प्रकार से दोनों पाइपों को, अगर इसके बराबर जगह नहीं होगी तो ड्रिल मारना पड़ सकता है, लेकिन जगह है तो इस प्रकार से दोनों पाइप साथ साथ हम इसको पीछे कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम इस पाइप को पूरी तरह से देखिए अंदर कर दे रहे हैं, पीछे की साइड में निकल रहा है, और अभी हम पीछे आपको दिखाते हैं ये कहां गया है। और इस तरह से देखिए पूरी पाइप को लगा देना, और ये जो एवापोरेटर में पाइप जुड़ी हुई है ये ऊपर का सिरा होता है, तो इस प्रकार से देखिए हमें इसको यहां लगा देना है, और ये जो और पीछे जाना है तो और जाएगा, और इस प्रकार से, और बाद में एवापोरेटर को हमें इसकी बॉडी पर इसी प्रकार से देखिए लगाना होगा। यहां पर देख लेते हैं कैपिलरी कहीं मुड़नी नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से देखिए कैपिलरी कहीं भी मुड़नी नहीं चाहिए हमारी, और इस पाइप को हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं आराम से, इधर कैपिलरी कहीं भी मुड़नी नहीं चाहिए कोई भी पाइप, और इस प्रकार से देखिए हम यहां पर लगा लेते हैं। बाद में एवापोरेटर हमारा इस तरह से बॉडी में सेट कर दिया जाएगा, थोड़ा दूर से दिखाइए, इस तरह से बॉडी में सेट कर दिया जाएगा आराम से, और अब ये हमारा बन जाएगा फ्रीजर। और पीछे की साइड चलिए अभी हम दिखाते हैं, यहां पर देखिए हम नट नहीं लगाने वाले, ऊपर की बॉडी थोड़ी सी जली हुई है, अभी हम नट नहीं लगाएंगे लेकिन कूलिंग करवाएंगे इसको, और इसके पूरी प्रक्रिया करने वाले हैं। तो यहां पर हम इसके गेट को बंद कर देते हैं। अब देखिए ये पीछे की साइड में ये पाइप कुछ इस तरह से निकली हुई दिखाई दे रही है, इस पाइप को हमें यहां पर मोड़ लेना है इस तरह से, इधर से देखिए हम पाइप को थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ लेते हैं गोल में, इधर से ऐसे करके हम इसको गोल में मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद यहां पर देखिए ये पाइप हमें थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, हम चाहे तो इसको काट लेंगे, लेकिन चाहेंगे तो इसको इसी में रहने देंगे, तो हम काटेंगे नहीं, इसको इसी में रहने देंगे। इस प्रकार से देखिए हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, और पाइप को यहां पर हमें इसको लगाना है, और कैपिलरी ट्यूब की साइज जो है हमारी वो बड़ी है, हमने इसको सीधा भी कर दिया है, तो इसको हमें गोल बना देना होगा फिर से जैसे पहले थी। तो ये हम ये बॉटल जो हमारा कैन था इसी पर लगा लेते हैं, और इसको आराम तरीके से देखिए इसको हम गोल में इसी के ऊपर मोड़ देते हैं, इससे क्या होगा ये बढ़िया से गोल में मुड़ेगा, कैपिलरी ट्यूब है तो क्या होगा कहीं अगर डायरेक्ट मुड़ जाएगा तो जाम हो जाएगी पाइप, गैस का बहाव रुक जाएगा और ठंडा नहीं करेगी। तो इस तरह से हम बॉटल के ऊपर लगा करके मोड़ देते हैं ताकि ये बढ़िया से मुड़ जाए, एकदम स्प्रिंग के जैसा बन जाए। अभी देखिए आप ये कैसा बन गया, बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा बन गया, और कैपिलरी ट्यूब की पाइप हमें यहां फिल्टर के पास जोड़ना होता है, थोड़ी सी बचा करके थोड़ी सी जगह, और बाकी का जो बचा हुआ है उसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं अपना, ये हमारा टेप है, और इस टेप को लगा देना है इसके ऊपर, ये पाइप जो बची है जो एक्स्ट्रा है उसी के ऊपर इस तरह से हम इसमें टेप लगा देते हैं, ताकि पाइप जो कैपिलरी ट्यूब की है वो इधर उधर ना बिखरे, आराम से काम करे, बढ़िया तरीके से कूलिंग करने में मदद करे, प्रेशर को कंट्रोल करना इसका कार्य होता है। इस तरह से देखिए हमने कैपिलरी ट्यूब को लगा दिया। अब देखिए ये कैपिलरी ट्यूब टोटल हम ये जो गोला बनाए हैं ये यहां पर बनाए हैं, ये एवापोरेटर के पास अंदर भी बनाया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं हमने बाहर बना लिया है। अब देखिए हमें करना क्या होगा, अब हमें हमने एवापोरेटर लगा लिया, कंप्रेसर यहां रख लिया, अब कंप्रेसर को कंडेंसर से देखिए अब हम सबका कनेक्शन करने वाले, कनेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक नहीं, पाइपों का कनेक्शन कि किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, कैसे कैसे गैस का संचार होगा, कहां कहां से जाएगा उसका कनेक्शन। तो सबसे पहले कंप्रेसर तो अभी हम सिर्फ यहां रखे हैं ना, कि कहीं पर जोड़े नहीं ना है, तो सबसे पहले हमें कंप्रेसर की पाइप को जोड़ना होगा इसके कंडेंसर में, कंडेंसर यही जाली है, तो इसको जोड़ना है इस डिस्चार्ज लाइन में। देखिए डिस्चार्ज लाइन कौन सी होती है, ये जो पतली वाली पाइप होती है ना, देखिए कंप्रेसर में हमने पहले ही दिखाया तक जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो पतली वाली पाइप होती है, तो ये जो पतली वाली पाइप है इसी में हमें जोड़ना है। तो यहां पर देखिए ये कंडेंसर की जो पाइप है कंपनी बना करके देती है, पहले इसमें भी थोड़ी सी कॉपर लगा होता है इसलिए इसको भी वेल्डिंग करने में दिक्कत नहीं होती है, और ये पाइप पतली भी है इसलिए इसके डिस्चार्ज लाइन में आराम से चली जाएगी, कहीं पर स्वांगिंग टूल से इसको फ्लेयर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आराम से इसके अंदर चली जाएगी और ऊपर से लगा करके हम इसको वेल्डिंग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से पाइप के अंदर चली गई, और अब हमें इसको क्या कर देना, वेल्डिंग कर देना बढ़िया तरीके से। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, इसको हम यहां से ऐसे मोड़ करके इसको हम वेल्डिंग करने वाले हैं। अब हमें इसको जोड़ना है, हम यहां से फिर से अपना जला लेते हैं ब्यूटेन गैस वेल्डिंग गन ले लेते हैं, और ये माचिस की तिल्ली की सहायता से इसको हम जला लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इसको जला लिया, और यहां पर भी कोई प्लान टेप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है यहां पर, और देखिए इस प्रकार से हम इसको जला लेते हैं और इसको हम गर्म करते हैं, और इस प्रकार से ये अगर बाहर निकल रहा है तो अंदर ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम गर्म करते हैं, कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा असर ना जाए, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इस प्रकार से। और ब्रिजिंग रॉड को भी गर्म करते हैं, पाइप को भी, और यहाँ की जो पाइप होती है थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, ये जल्दी गर्म नहीं होती है, हार्ड होती है थोड़ा सा,
थोड़ा सा इसको हमें ज्यादा गर्म करना पड़ता है, जो कंप्रेसर वाली पाइप है उसको यहाँ पर हम गर्म करके वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रिजिंग राड को हम गर्म करेंगे, जब इसको हम टच करवाएंगे, ये पाइप देखिए गर्म होने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल रही है, हमें इस प्रकार से इसको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए ये जुड़ सही से नहीं पा रहा है, जो कापर की पाइप है उसमें सही से नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें फ्लक्स पाउडर का भी यूज करना पड़ेगा। ये वाला पाउडर हमारा है फ्लक्स पाउडर, ये कापर और लोहे की पाइप को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर इस पाउडर को न लगाए तो क्या होगा, अभी आपने यहां पर देखा कि जो ब्रिजिंग राड है, जैसे हम सोल्डिंग करते समय रांगा के साथ पेस्ट भी लगाते हैं ना, वैसे समझिए पेस्ट का काम करता है। नहीं तो जो ब्रिजिंग राड है पिघलेगा तो, लेकिन गोल गोल बन के इधर उधर चला जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो इसीलिए हमें यह पाउडर लगाना पड़ता है फ्लक्स पाउडर, यह सिर्फ लोहा और कापर को जोड़ते समय ही लगाया जाता है, और लोहे का जो पार्ट होता है वो सिर्फ फ्रिज में होता है और यह कंडेंसर होता है, कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पाउडर को यहां पर थोड़ा सा नीचे ही गिरा लेते हैं, बाकी हम डिब्बी में भी रख सकते हैं, बाकी यहां पर हमने थोड़ा सा नीचे गिरा लिया, और फिर से हम वेल्डिंग गन की सहायता से इसको गर्म करेंगे और फ्लक्स पाउडर भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम यहां पर लगा लेते हैं, और इस प्रकार से यहां पर हम इसको लगा लेते हैं और फ्लक्स पाउडर भी लगाने वाले हैं। अब की बार देखिए यहां पर ये ब्रिजिंग रॉड, ब्रीजिंग राड को थोड़ा सा गर्म करने के बाद पाउडर में डुबोएंगे, तो इस प्रकार से ये व्हाइट कलर का देखिए लगा हुआ है, इस पर चिपक जाएगा, लग जाएगा बढ़िया से, और लगने के बाद पाइप हमारी गर्म होगी तो अब हम इसमें लगाएंगे एक ही बार में ब्रीजिंग राड को, और ताकि बढ़िया तरीके से चिपक जाए, गर्म हो जाएगा तब। पहले ही गर्म होने से पहले लगाएंगे तो इसकी जो पाउडर है वो पिघल करके इधर उधर खत्म हो जाएगा। इस तरह से देखिए हम लगाएंगे इसको, और बस इसी प्रकार से हम बढ़िया तरीके से इसको अब जोड़ लेंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया से अब चिपक रहा है, ये बढ़िया से चिपक गया, और इसको हम यहां पर जोड़ लिए। देखिए इस प्रकार से बस थोड़ा सा ब्रिजिंग राड लगाएंगे, फ्लक्स पाउडर लगा के चिपकाने से यही होता है कि ये जो पाउडर जो ब्रिजिंग है जो जब गलता है पिघलता है तो इधर उधर करके बूंद बूंद करके गिरता नहीं है, आराम से वहीं पकड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने पाइप को वेल्डिंग कर दिया। अब होगा क्या, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर को अगर हम चालू करेंगे तो यह सक्शन लाइन से गैस को खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा, और यहां से गैस निकल के जाएगी कंडेंसर में। यह है इसका कंडेंसर, जो लोहे की जाली है। कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी भाप को पानी बनाना। यह कंडेंसर का कार्य वेपर से द्रव में बदलना है। उसके बाद यहां से गैस निकलेगी, और यहां पर लगेगा फिल्टर, और फिल्टर हमने देखिए यहां पर यह ले लिया है फिल्टर। इस फिल्टर में दो मुंह है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, एक को हम बंद कर देंगे, जो भी इसमें आसानी से अगर पतला वाला चला जा रहा है तो पतला वाला हम लगा देंगे ताकि कम दबाना पड़ेगा, अगर पतला वाला नहीं जा रहा है तो हम मोटा वाला लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए एक पाइप में हमने इसको लगा देना है, और इसके बाद जो दूसरा वाला बचता है उसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर या नोज प्लायर की सहायता से आसानी से दबा देंगे। देखिए ये फिल्टर लगाने से पहले एक प्रक्रिया और इसमें होती है, जब हम किसी भी फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं तो हमें 5 प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है हमारी फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने का यह मतलब होता है इसका ये जो कंडेंसर है ना, इसमें कहीं कचरा तो नहीं ना है, ये जो लोहे की बॉडी इसमें कहीं कचरा तो नहीं ना। वैसे तो हम कंडेंसर नया लगाएं, फ्लेक्सिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं और कोई पुराना कंडेंसर लगा रहे हैं तो इसकी पाइप को फ्लेक्सिंग करना पड़ता है, पाइप के अंदर के कचड़े को बाहर निकालना पड़ता है। वो काम हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए ये जो कंप्रेसर मोटर है फ्रिज का, इसको हमें चालू करना होगा। तो चालू करने के लिए इसका रिले और ओएलपी ये ले लेते हैं, इसको लगाना होगा, और एक ले लेते हैं ये हमारे पास है मेन लीड, यहां पर देखिए एक हमारे पास है मेन लीड, इसको ले लेते हैं। तो देखिए एक जो हमारी मेन लीड है और रिले ओएलपी है, तो एक तार को हम ओएलपी में लगा देते हैं, एक तार को ओएलपी में लगा देते हैं और दूसरे तार को रिले में लगा देते हैं, और आसानी से फिर हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेसर मोटर में खोज देंगे। देखिए ये जो रिले है एक ही पिन का है, तो एक ही पिन है, अगर 2-3 पिन होती तो हमें दाहिने साइड में कनेक्शन करना होता है। तो यहां पर देखिए ओएलपी और रिले हमें लगाना कहां है, कंप्रेसर में ये 3 पिने होती हैं, यहां पर दिखा पाएंगे क्या, ये कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग। तो सबसे पहले जो अकेली पिन होती है नीचे इसमें है वो कॉमन है, और रनिंग और स्टार्टिंग में हम आराम से लगा देंगे, और इस कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कौन है, क्योंकि ये कंप्रेसर जब रिले ओएलपी एक ही पिन का दिया है तो इसमें उल्टा नहीं होगा, न्यूट्रल की जगह फेस जाए, फेस की जगह न्यूट्रल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखिए हमने सप्लाई दे दिया है कंप्रेसर मोटर में, और अब हम लगा देते हैं, ये हमारे पास बोर्ड है,
बोर्ड में लगा देते हैं हम यहां पर पावर, और पावर हम स्विच को ऑफ कर लेते हैं, हमने सबसे पहले सॉकेट में लगा दिया और ऑन कर दिया। देखिए ऑन कर दिया, कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया। कंप्रेसर जब चालू हो गया तो गैस को सक्शन लाइन से खींच रहा है, डिस्चार्ज से फेंक रहा है। यहां पर देखेंगे इस पाइप को हम दबाएंगे, आपको क्या करना है ऐसे दबाना है और इसको तब तक दबाना है रखना है जब तक इसमें प्रेशर ना भर जाए। प्रेशर भर जाएगा ऐसे झटके से हटाएंगे, तो झटके से जब हटाते हैं ना तो जो भी हवा इसके अंदर भरी है वो प्रेशर के साथ निकलती है, तो ऐसे में क्या होता है इसके अंदर का कचरा वगैरह भी आराम से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्लेक्सिंग करना। देखिए इस प्रकार से हम फ्लेक्सिंग करते हैं, ऐसे पाइप को दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। मतलब समझिए कि कंडेंसर को आराम से हम फ्लेक्सिंग करके कचरा बाहर निकाल सकते हैं। फ्लेक्सिंग करते समय कंडेंसर की पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म भी किया जा सकता है। गर्म करने से क्या होगा, इसके अंदर कहीं नमी मॉइस्चर वगैरह होगा तो आराम से वो झटके के साथ गर्म होकर के नमी में बदलेगा, और इधर से हम फ्लेक्सिंग कर रहे होंगे उसी झटके के साथ गैस आराम से झटके से बाहर निकल जाएगा कचरा वगैरह के साथ। तो इस प्रकार से हम कंडेंसर की फ्लेक्सिंग कर लेंगे। अब जब हमारी कंडेंसर की फ्लेक्सिंग हो जाएगी तब हम यहां पे सॉकेट को निकाल देते हैं और अब हम लगाएंगे इसमें फिल्टर। अब हम लगा देते हैं अपना फिल्टर, और फिल्टर को लगा करके जोड़ देना है। देखिए फिल्टर लगाते समय भी हमें फ्लक्स पाउडर का प्रयोग करना पड़ सकता है क्योंकि कंडेंसर में ही जोड़ना है और कंडेंसर होता है हमारा लोहे का। तो यहां पर हम ले लेते हैं फिर से अपना वही वेल्डिंग गन और माचिस, और माचिस जला करके फिल्टर को जोड़ देते हैं। किस प्रकार से जोड़ते हैं, वही हमारा जो ब्रिजिंग राड होता है उसी के द्वारा। जो ब्रिजिंग राड होता है वो कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, ये जो ब्रीजिंग राड होता है कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। देखिए फिल्टर को हमें जोड़ना है। देखिए यहां पर हम फिल्टर को जोड़ेंगे, जब गर्म करेंगे ना तो इसके लटकने के भी चांस है, तो आपको किसी से पकड़वा लेना है। देखिए हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर गिरेगा तो पकड़वा लेंगे, बाकी एक बार देखते हैं किस प्रकार से जुड़ता है। यहां पर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये हमारे पास देखिए गर्म कर रहे हैं। पहले तो हम बिना फ्लक्स पाउडर के भी जोड़ते हैं, कॉपर की पाइप इसमें अगर है, अगर कॉपर की पाइप लगी है तो आराम से जुड़ भी जाएगा, अगर नहीं जुड़ रहा है तो हम फ्लक्स पाउडर भी यूज कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए हम लगा लेते हैं और ये थोड़ा बहुत सही जुड़ा है लेकिन थोड़ी बहुत डाउट लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी हमारी प्रक्रिया अगली है लीकेज करने की, वहां पर हम क्लियर कर लेंगे। तो फिल्टर को भी हमने जोड़ दिया है, थोड़ा बहुत इसमें डाउट है कि लीकेज हो सकता है, अगर डाउट है तो आप फिर से जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ हमें क्लियर है कि डाउट अगर है तो हम अभी अगली प्रक्रिया अपनाएंगे जो कि प्रेशर चढ़ाना होता है। जब हम इसमें गैस वगैरह चार्ज करेंगे तब इसको क्लियर समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। और यहां पर देखिए हमने फिल्टर जोड़ दिया, फिल्टर के बाद अगली प्रक्रिया होती है हमारी, यह है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। और इसको जोड़ा कहां जाता है, फिल्टर में। फिल्टर में देखेंगे खुद ही एक साइड में ऐसा बना होता है पतला और एक साइड में मोटा, जिधर मोटा है उधर कंडेंसर की पाइप जोड़ने के लिए है, जिधर पतला है उधर कैपिलरी ट्यूब जोड़ने के लिए है। तो इस प्रकार से देखिए हम कैपिलरी ट्यूब को जोड़ देते हैं, यहां पर हमने कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डाल दिया और अब हमें क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब को करना है वेल्डिंग। तो इसको भी हम उसी तरह से फिर से वेल्डिंग कर लेते हैं, अपना माचिस की तिल्ली लेते हैं, और यहां पर हमें फ्लक्स पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिल्टर भी कॉपर का, कैपिलरी भी कॉपर की, और बिल्कुल जोड़ना को आसान हो जाएगा आराम से, और कैपिलरी ट्यूब अंदर तक गई है, इसमें ब्रिजिंग राड भरने का भी कोई चांस नहीं है। इस तरह से देखिए हम इसको गर्म करेंगे, सिर्फ एक बूंद अगर इसमें लग जाएगा तो समझिए ये जुड़ जाएगा बिल्कुल आराम से, बस एक बूंद की बात है, एक बूंद जिंदगी की इसके लिए बस काफी है, यहां पर एक बूंद बस केवल जिंदगी की इसके लिए काफी है। और ये कैपिलरी ट्यूब जुड़ गई। अब अगर हम इस कंप्रेसर मोटर को चालू करते हैं और ये दोनों जोड़ अगर सही है तो प्रेशर यहां से निकलेगा, यानी ये जो एवापोरेटर के सक्शन लाइन की पाइप है कैसे निकलेगा, यहां पर देख पाएंगे कंप्रेसर था, कंप्रेसर गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज से फेंकेगा, कंडेंसर में गैस घूमेगी, उसके बाद फिल्टर में जाएगी, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाएगी, उसके बाद एवापोरेटर यहां से होकर के बाद में निकलेगी, क्योंकि ये दोनों पाइपें एवापोरेटर में जुड़ी है ना, तो यहां से हवा आएगी वापस। तो यहीं पर हम इसको लगाते हैं, पहले कंप्रेसर मोटर को लगा देते हैं और चालू कर देते हैं देखिए इस प्रकार से। और यहां पर देखिए लीकेज है हमारा, यहां से हवा निकल रही है, यहां पर ज्यादा हवा नहीं आ पा रही है, हवा यहां से निकल रही है, तो हमें क्या करना होगा, इसको अभी फिर से वेल्डिंग कर लेते हैं हम, ये अगली प्रक्रिया से पहले ही पता चल गया, तो यहां पर हम फिर से वेल्डिंग कर लेते हैं। तो इसको देखिए हमें वेल्डिंग करना है, और इसको वेल्डिंग करने के लिए यहां पर देखिए हम इसको गर्म कर रहे हैं, और ब्रिजिंग राड को सबसे पहले गर्म कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिजिंग राड में अभी हम फ्लक्स पाउडर लगाने वाले हैं, जब ये गर्म हो जाएगा तो इस पाउडर पे लगाएंगे आराम से। देखिए पाउडर इतना चिपका हुआ है,
आराम से, पाउडर भी ज़्यादा नहीं लगाते हैं यहाँ पर। और अब ये गर्म हो जाएगा तब हम पाउडर के साथ इसको वेल्डिंग कर देंगे और ये बढ़िया से अब यहाँ पर वेल्डिंग हो करके जुड़ जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये बढ़िया से वेल्डिंग हो करके जुड़ जाएगा, यहाँ से बढ़िया से वेल्डिंग हो करके इस प्रकार से जुड़ जाएगा बिल्कुल, और अब इसमें लीकेज होने के चांस नहीं होंगे। इस प्रकार से हम बढ़िया तरीके से इसको जोड़ देंगे, और ये जोड़े हैं हम जो ये कंडेंसर में फिल्टर को जोड़ दिया। अब हम इसको फिर से एक बार चालू करते हैं, थोड़ा सा रुक करके चालू करना चाहिए। अगर तुरंत हम चालू कर देते हैं तो हो सकता है अभी जोड़ हल्का है क्योंकि गर्म है ना, तो अभी इसके अंदर पावर कम है, और अगर उसी समय प्रेशर दबा देगा तो ये निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लग में लगा लेते हैं, और लगाने के बाद अब हम इसको चालू करते हैं। चालू करने के बाद ये देखिए बढ़िया तरीके से जुड़ गया। अब देखिए यहां से बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। तो देखिए यहां पर फिल्टर जुड़ चुका है, कैपिलरी जुड़ चुकी। अब ये जो एवापोरेटर से आई हुई पाइप है इसको जोड़ना है कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। देखिए इस तरफ है तो हम इसी तरफ जोड़ लेते हैं, इसी को बना लेते हैं सक्शन लाइन, और ये जो कंप्रेसर की दूसरी पाइप है इसको भी हम सक्शन लाइन बना सकते हैं। ये वाली पाइप अगर हम चाहें तो यहां भी जोड़ दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही काम करेगी, लेकिन यहां नजदीक पड़ रहा है इसलिए इसी को हम बना लेते हैं सक्शन लाइन। और इस पाइप को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का फ्लेयर वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि कंप्रेसर में उतना व्यास होता है कि कंप्रेसर के पाइप में फ्लेयर नहीं बनाया जाता है। बाकी देखिए इसके अंदर ये आराम से चला गया, और इसको भी हम उसी तरह से वेल्डिंग करके इसको जोड़ देते हैं, और ये पाइप लगभग हमारी सब जुड़ चुकी है। एक काम अभी और बाकी है, पहले हम पाइप को जोड़ लेते हैं यहां पर। पहले हम यहां पर पाइप को देखिए जोड़ लेते हैं इस प्रकार से, और इसको हम गर्म करते हैं। और देखिए गर्म करने से पहले, जोड़ने से पहले एक काम और कर लेते हैं, ये जो तार लगा हुआ है हमारा इसको हम निकाल देते हैं, नहीं तो ये पिघल सकता है, ये गर्म हो सकता है। तो तार है, वायर है, वायरिंग हम यहाँ के निकाल देते हैं, और अब हम इसको गर्म करते हैं, अब हम इसको जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ रहे हैं, इसको भी गर्म किया जाता है। ये जो कंप्रेसर से निकली हुई पाइप होती है ये हार्ड होती है ज़्यादा, तो इसको हार्ड होने की वजह से ये जल्दी गर्म नहीं होती। ये वाली पाइप देखिए हमारी जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी देर में गर्म होती है, इसलिए इसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है। और ये ब्रिजिंग राड को भी हम पिघला ले रहे हैं, यहाँ पर ब्रिजिंग राड को भी गर्म कर ले रहे हैं, और ब्रिजिंग राड गर्म करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे। देखिए गर्म हो चुका है आराम से, कितना बढ़िया पिघल रहा है, और जितना कम ब्रिजिंग राड में जोड़ सकें उतनी बढ़िया क्वालिटी समझिए है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़ चुका है, और ये फ्रिज में लगभग हमारी सब कुछ सारे पार्ट लग चुके हैं। एक बार थोड़ा सा दूर से दिखाइए, देखिए ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है, कंप्रेसर जुड़ चुका है, ये कंप्रेसर मोटर हमारा जुड़ चुका है, कंडेंसर जुड़ गया, अंदर एवापोरेटर लग गया, कैपिलरी लग गई, फिल्टर लग गया, कंप्लीट फ्रिज के जो मैकेनिकल भाग है वो बिल्कुल हमारे कंप्लीट लग चुके हैं। अब इसके अंदर और भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अब जरूरत है तो इसके अंदर गैस चार्ज करने की, और अगर हम गैस चार्ज करें तो ये फ्रिज अभी हमारी ठंडा करने लगेगी। तो देखिए गैस चार्ज करने का जो हम समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। और ये जो अभी हमने इसको सब कुछ लगाया तुरंत अब इसमें गैस चार्ज करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जा रही है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, बहुत ही जल्द हम आपको नेक्स्ट वीडियो इसको समझाएंगे। और ये जो इसका चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन में हमको लगाना होता है एनआरवी वाल्व, यानी नॉन रिटर्न वाल्व, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। और यहां पर हम बस कंप्लीट करते हैं, धन्यवाद।